हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई अब बी इंग्लिश फ्रॉम बिगनिंग। फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं लेसन नंबर 89, जहां पर हम डिग्री के लेसन को आगे बढ़ाएंगे। फ्रेंड्स, हम लोगों ने प्रीवियस लेसन में क्या देखा कि पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ आर, ई आर या फिर आई ई आर को जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री एवं एस टी ई एस टी और आई ई एस टी को जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती थी। पर फ्रेंड्स, एक बात को माइंड कीजिएगा, हम लोगों ने ऐसा तब किया था जब हमारे पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव में सिर्फ एक ही सिलेबल था। यहाँ पर सिलेबल का मतलब होता है क्या? स्वराघात। जब हम किसी शब्द को बोलते समय एक भी पॉज नहीं लेते, उसको एक ही बार में बोल देते हैं, तो वो हमारा जो शब्द होता है ना, वो एक सिलेबल का शब्द कहलाता है। तो फ्रेंड्स, अगर हमारे शब्द में ना एक ही सिलेबल है यानी एक ही स्वराघात है, तो ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? हमें आर ई आर या फिर आई ई आर को जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री बनानी होगी एवं एस टी ई एस टी और आई ई एस टी को जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनानी होगी। लेकिन अगर सोचिए कि कंडीशन बदल जाए यानी हमारे शब्द में एक से अधिक स्वराघात यानी एक से अधिक सिलेबल आ जाए, तो ऐसी कंडीशन में मोर या फिर लेस को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जोड़कर कॉम्परेटिव डिग्री एवं मोस्ट और लीस्ट को जोड़कर सुपरलेटिव डिग्री बनाई जाती है। जहाँ पर मोर का मतलब होता है क्या? ज़्यादा, और मोस्ट का मतलब होता है क्या? सबसे ज़्यादा। इसी तरीके से लेस का मतलब होगा क्या? कम, और लीस्ट का मतलब हो जाएगा क्या? सबसे कम। अब फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने आपके सामने एक टेबल बनाई है जहाँ पर मैंने मोर और मोस्ट को पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के पहले जोड़ा है, और पहले जोड़कर मैंने उसे या तो कॉम्परेटिव बना दिया है या फिर क्या बनाया, मैंने सुपरलेटिव डिग्री बनाया है। फ्रेंड्स, इस टेबल के ठीक बाद एक टेबल और बनाएंगे जिसमें लेस और लिस्ट का यूज़ कैसे होगा वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ एग्जांपल लेते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने एक एग्जांपल है, वह सुंदर है। फ्रेंड्स, इसको ध्यान से पढ़िए तो ये हमारा सेंटेंस कहाँ का हो गया? पॉजिटिव डिग्री का हो गया। अब ऐसे कंडीशन में हमें इस सेंटेंस को बनाने के लिए पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव का ही यूज़ करना होगा। तो हमारा सेंटेंस क्या बनेगा? ही इज़ हैंडसम। अब दूसरा एग्जांपल देखिएगा, वह अपने पिता से ज़्यादा सुंदर है। तो इस सेंटेंस में देखिए कि मैंने क्या किया है, उसकी उसके पिता से तुलना कर दी, और तुलना करने में हमारा जो सेंटेंस है वो कहाँ का हो गया? कॉम्परेटिव डिग्री का हो गया। तो हमारा जो सेंटेंस है वो क्या बनने वाला है? ही इज़ मोर हैंडसम दैन हिज फादर। अब यहाँ पर मोर क्यों लगाया गया? क्योंकि सेंटेंस हमारा कॉम्परेटिव डिग्री का था। एक एग्जांपल फ्रेंड्स और देखिएगा, अगर मैंने आपसे कहा होता वह अपने गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है, तो इस सेंटेंस में देखिए क्या हुआ कि मैंने उसको ना उसके पूरे गांव में सबसे ज़्यादा सुंदर कहा है, यानी ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया? सुपरलेटिव डिग्री का हो गया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? सी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल इन हर विलेज। अब फ्रेंड्स, आपके सामने एक टेबल और आ गई है जिसमें मैंने लेस और लीस्ट को जोड़कर एक टेबल बनाई है, यानी लेस को जोड़ा हमने तो क्या बन गया? कॉम्परेटिव डिग्री, और लिस्ट को जोड़ दिया तो वह हमारी क्या बन चुकी है? सुपरलेटिव डिग्री। अब फ्रेंड्स, इसमें भी कुछ एग्जांपल लेकर इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो आपके सामने मैं पहला एग्जांपल लिखने जा रहा हूँ, और मैंने यहाँ पर क्या लिखा है देखिए ध्यान से कि आप होशियार हो, और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया? पॉजिटिव डिग्री का। अब अगर ये सेंटेंस हमारा पॉजिटिव डिग्री का है तो आपको पॉजिटिव डिग्री के ही एडजेक्टिव को यूज़ करना होगा, और इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा? यू आर इंटेलिजेंट। इसी तरीके से फ्रेंड्स, एक दूसरा एग्जांपल कॉम्परेटिव डिग्री का लेते हैं। तो आपके सामने एक दूसरा एग्जांपल है, आप राहुल से कम होशियार हो, और ये सेंटेंस हमारा कहाँ का हो गया? कॉम्परेटिव डिग्री का, क्योंकि मैंने आपकी राहुल से तुलना की। तो हमारा पूरा ट्रांसलेशन क्या बना? यू आर लेस इंटेलिजेंट दैन राहुल। एक एग्जांपल और फ्रेंड्स, जो कि सुपरलेटिव डिग्री का होगा। तो आपके सामने एक एग्जांपल आ चुका है, आप कक्षा में सबसे कम ईमानदार लड़के हो। अब चूंकि ये सेंटेंस हमारा सुपरलेटिव डिग्री का है तो हमें सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को यूज़ करना होगा, और हमारा ट्रांसलेशन क्या बनने वाला है? यू आर द लीस्ट ऑनेस्ट बॉय इन द क्लास। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। डिग्री के पार्ट वन और पार्ट टू दोनों लेसन को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपको आगे आने वाला वीडियो आसानी से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।